हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का लगातार निवास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये विंटर की ड्रेस बनाने जा रहे हैं, जो कि हमने वूलन कपड़े से बनाई है। जो हम लोग जैसे सूट बना पाते हैं ना, तो उसी कपड़े से हमने ये उनकी ड्रेस बनवाई है। उनके लिए बहुत आसान रहेगा, जिनको बुनना नहीं आता है या फिर क्रोशिया चलानी नहीं आती है, तो वो इस तरीके से सिल के, गर्म कपड़े को सिल के अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए, ये हमने ये ड्रेस तैयार की है और ये हमने फुल स्लीव की तैयार की है, क्योंकि ठंड है तो उनको फुल स्लीव की हमें पहनानी है। तो हमने ये फुल स्लीव की तैयार की है। जिनको सिलाई आती है वो इसको बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे, और जिनको नहीं आती वो उस वीडियो को देख के भी अच्छे से सीख पाएंगे। आइए, चलिए मैं इस ड्रेस को अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ कि कैसे लगेगी ये हमारी प्यारी सी ड्रेस। देखिए, हमने ये अपने लड्डू गोपाल जी को ये अपनी ड्रेस बना दी है। ठीक है, आइए हम बताएंगे अब कि ये ड्रेस हमने किस तरीके से तैयार की है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने गर्म कपड़ा लिया है, ठीक है, और इसकी हम लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। लंबाई हमने ली है 34 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने ली है 5 इंच। हमने क्या करा है, हमने इसको तीनों साइड से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, एक ऊपर इधर वाली साइड से फोल्ड नहीं करा है, यहाँ से तो प्लेटें हम डाल लेंगे। केवल हमने तीनों साइड्स को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक अपनी लेस लगा लेंगे। आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए, हमने ये इसमें लेस लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स किस तरीके से डालनी है, हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए थोड़ी इसमें चौड़ी प्लेट्स डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरफ हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमारा घेरा रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमें प्लेट्स डालनी है। ठीक है, देखिए, ये हमने ये प्लेट्स डालनी हैं। ठीक है, और इसकी जो हमने यहाँ कमर की लंबाई रखी है वो हम दिखाते हैं। ये हमने रखी है 6 इंच। ठीक है, देखिए, ये हमारी 6 इंच हमने कमर की लंबाई रखी है। हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी कमर हमने नापी थी, तो वो हमारी 6 इंच आ रही थी, इसलिए हमने ये 6 इंच रखी है। आप अपने लड्डू गोपाल जी की कमर नाप कर उसी के अकॉर्डिंग प्लेट्स बनाइए। अगर जिसकी 5 है तो वो 5 इंच रखने की कोशिश करिए, और जिसकी 6 इंच है वो 6 इंच रखने की कोशिश करिए। अभी देखिए, ये हमारा ये पूरा गोल घेरा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर हम चोली बनाएंगे, जो कि हम फुल स्लीव की बनाएंगे, क्योंकि हम ये विंटर की ड्रेस बना रहे हैं, इसलिए हमें फुल स्लीव की हम चोली बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या करा है, ये हमने अस्तर का कपड़ा लेना है। इसमें एक मेरे पास ये येलो कलर का रखा हुआ था, तो मैंने येलो कलर का ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और एक हमारा ये मेन फैब्रिक जो है ये हमने लिया है, जो हम जिसकी हम चोली बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमने ये 5x6 का 5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा ये हमने पीस कट किया है। ठीक है, और जो हमने जो मेन फैब्रिक लिया है वो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट किया है। जैसे ये 5 इंच चौड़ा है तो हमने 5.5 इंच लिया है इसमें, और ये 6 इंच लंबाई है इसकी, तो हमने इसकी लंबाई जो है हमने 6.5 इंच करके कट किया है। हल्का सा बड़ा लेना है हमें मेन फैब्रिक अपना। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा ये हमने कट कर लिया पीस, इसको हम इस तरीके से पहले हाफ़ फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है हमें। ठीक है, एक बार और फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये हमारी यहाँ खुली साइड्स हैं और ये बंद साइड्स आई हैं हमारी। अब हमें मार्क करना है, जैसे हमें गला बनाना है, स्लीव्स बनानी है, उसके लिए हमें मार्क करना है। गले के लिए तो हम बहुत नन्ना सा ऐसे ही आर्क की तरह बना लेंगे और उसको कट करेंगे। और स्लीव्स बनाने के लिए और कमर बनाने के लिए हमने यहाँ से देखिए 2 इंच पर मार्क लगाया है, और ऊपर से हमने
1.75 इंच, 1.75 इंच जो होता है वो हमारा 1.5 इंच और 2 इंच के बीच का मार्क होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निशान लगाया, उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने इस तरीके से मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये मिलाने के बाद ये जो कोना बनेगा, कॉर्नर बनेगा, उस पर हमें हल्की सी गोलाई देनी है और यहाँ को हमें हल्का सा एक्स्ट्रा काटना है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये काम कर लेना है। और अभी हम इसको कट करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने कट कर लिया है, अब हम क्या करना है, हमें बिल्कुल बीच सेंटर में से एक पार्ट, दोनों नहीं सिर्फ एक पार्ट को हम बीच सेंटर में से कट कर लेंगे। देखिए ये हमने बीच सेंटर में से कट कर लिया है, अब हम इसको जो है हल्का सा इसको इस तरीके से यहाँ से, और ये जो नोक निकली हुई है ना, तो इसको हल्का सा इस तरीके से काट के यहाँ पे भी हम गोलाई दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये जो है सबसे आसान तरीका बता रहे हैं हम। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने मेन फैब्रिक है अपना, उसके ऊपर हम ये मेन फैब्रिक के ऊपर हम ये अपना ये रखेंगे कटिंग जो हमने की थी, ठीक है। इस तरीके से कटिंग जो थी हमने इसके ऊपर रख के, और ये हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे केवल। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से लेके जाते हुए यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमने इसमें ऐसे करके सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो हमारा नेक बन जाएगा। देखिए हमने इसको कट कर लिया है, अब हम इसको सीधा करेंगे। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि हमें सीधी साइड इसकी ऊपर ही रखनी है, उसके ऊपर अस्तर रख के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारा ये नेक बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से ठीक करके इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें एक, यहाँ पे किनारे किनारे पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये हमने गले पे सिलाई लगा ली है। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो है इसकी स्लीव्स अब तैयार करनी है। कैसे करेंगे हम, ये जो है इसको हल्का सा मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इस वाले पार्ट को भी मोड़ेंगे, फिर एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इससे ये जो हमारे ये जो धागे निकल रहे हैं ये हमारे सिक्योर हो जाएंगे। हमें दोनों तरफ इसी तरीके से करना है, और ये करने के बाद ये हमें इस तरीके से पूरे पार्ट पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है सब तरफ, और ये देखो ये हमने अंदर फोल्ड करे थे तो इसलिए हमारी ये यहाँ पे सिक्योर हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके अब हम मार्क लगाएंगे। देखिए जो हमारी चोली है वो हमें अपने घेरे में हमें किस तरीके से ज्वाइन करनी है ये हम बताते हैं। ये जो है जैसे ये हमारा ये 6 इंच का हमने घेरा तैयार करा था उनकी कमर, तो हमने ऊपर की जो चोली थी वो भी हमने 6 इंच की ही, इसकी ये जो लेंथ है वो 6 इंच की ही रखी थी। लेकिन हमें ज्वाइन किस तरीके से करना है, हमें बिल्कुल दोनों को सीधा सीधा रख के ज्वाइन नहीं करना है, हमें हल्का सा टेढ़ा करके ज्वाइन करना है। जैसे ये जो बीच का पार्ट है वो सीधा आएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, जिससे कि पीछे जो है हमारा, फिर ये पीछे का पार्ट हमारा ढीला नहीं रहेगा और बिल्कुल अच्छी फिटिंग आएगी। आइए देखिए इस तरीके जैसे हमने इसमें ज्वाइन कर रखा है, हमने इसी तरीके से ज्वाइन करा है इसको, आगे से सीधा है, लेकिन ये जो पार्ट हैं ये थोड़े हमें टेढ़े लेके ज्वाइन करने हैं, ठीक है। आइए हम इसको जोड़ के दिखाते हैं। देखिए अब हमने इसको फोल्ड
एक के ऊपर एक रख के हमने क्या करा है 1.25 इंच, जो कि 1.5 इंच और 1 इंच के बीच का मार्क होता है, उस पर हमने निशान लगाया और इसको इस तरीके से सिल दिया। ऐसे इधर वाला भी हमने इस तरीके से सिल दिया और जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया। इसको हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को हमें इस वाले जो हमारा घेरा था उस पर हमें अटैच करना है। देखिए बिल्कुल हमने बिल्कुल फिटिंग फिट आया है ये, और इसको देखो इस तरीके से, देखिए यहाँ से इस पे रखते हुए इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल फिट आया है ये। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से रखेंगे सीधा, जो सीधा पार्ट है ठीक है, ये सीधा पार्ट, और सीधा पार्ट को एक के ऊपर एक रख के, और फिर हम यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से यहाँ पे हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी चोली जो है इसमें अटैच हो जाएगी। देखिए ये हमने इस पे सिलाई लगा ली और किनारे किनारे पे हमने डबल सिलाई लगा के इसको लॉक कर लिया है सिलाई को, ठीक है। अब हम इसको सीधा कर देते हैं, इसकी स्लीव्स थी हमने सीधी कर ली है, ये देखिए। कुछ इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। और आप यहाँ पे एक चटकनी या फिर वेलक्रो भी लगा के इसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये बहुत अच्छी से फिटिंग आएगी। आप पहले पहना के देखिएगा, उसके बाद जहाँ पे भी आपको वेलक्रो लगाने की ज़रूरत पड़ रही है या चटकनी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है उसी जगह पर आप लगाइएगा, जिससे कि अच्छी सी फिटिंग आए। अब ये देखिए ये हमारी बिल्कुल रेडी है फुल स्लीव की विंटर की ड्रेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।